नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि जब हरिद्वार के डीएम दीपक रावत ने अचानक दुकानदार से मांगे सिगरेट भी कैसे बेच सकते हो शुक्ल विद्यापीठ के पास? शुक्ल विद्यापीठ तो वैसे ही है, पढ़ाई लिखाई की जगह, उसे 100 मीटर के बाद में बेचे पीछे बहुत पीछे। क्या जी? तो बहुत पीछे। कितना दूर हो गए यहाँ से? 100 मीटर ये आगे गेट है हमारा, ही प्रांगण को हमारा ही वाले प्रांगण बेचे थे। जब्त करो सिगरेट, ले लो सिगरेट, जब्त करो जी, सारी सिगरेट ले लो। बताओ ऋषिकुल मैम, सिगरेट बेच रहे हैं तो जमा करो। अभी कैप्शन ब्रांड दिए इतने घटिया, जमा करो। चलो लेकिन एक अच्छी बात ये कर रहे हैं कि पन्नी नहीं रखी है ना, पन्नी नहीं आ। अब दोबारा मत करिएगा इसका व्यापार यहाँ पे, खाने पीने का कर लो, चाय पानी का, गुटखा सिगरेट बिल्कुल नहीं बिका ऋषिकुल के पास, धार्मिक नगरी है ये। सिगरेट तो वैसे भी नहीं बेच सकते यहाँ पे, और जमा करो सारी, और सिगरेट नहीं। और फाइन कितना होता है बेचने का सिगरेट का? एक आप लोगों ने वाली भी रखी है पर्ची, कूड़े वाली तो खैर है, सिगरेट वाली भी है, सिगरेट वाली 200 रुपये तो, लेकिन धूम्रपान पे होगा सर, भूखा नहीं होगा। ठीक है चलो ठीक है। अब ये श्रवण कुमार जी कौन है? आप उनको ही मिली है ना ये?